नमस्कार। सिटी चैनल के दर्शकों का मैं सतीश अग्रवाल अपनी नियमित स्वास्थ्य विषयक श्रृंखला हेल्थ केयर में स्वागत करता हूं। मित्रों, हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपके प्यार और स्नेह के कारण हमारी ये श्रृंखला बदस्तूर सीढ़िया दर सीढ़िया चलती आज 96 पायदान पर पहुँच चुकी है। इसके पीछे बहुत बड़ा श्रेय हमारे एक्सपर्ट साथियों का है, जो अपना समय निकालकर हमारे साथ बैठ के चर्चा करते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं, और सिटी चैनल की पूरी टीम जो इसमें पूरे डेडिकेशन और डिवोशन के साथ जुड़ी है, हृदय से इनका आभारी हूँ। अक्सर ये बात मैं कार्यक्रम के आखिरी में कहता हूँ कि अगर आप इस कार्यक्रम में कोई सुझाव, कोई बदल, परिवर्तन चाहते हैं, किसी एक्सपर्ट या विषय को चाहते हैं, आप हमें खुले रूप से लिखिए। बात आज मैं पहले कर रहा हूँ। मित्रों, कार्यक्रम का हमारा जो उद्देश्य है वो यह है कि हम हमारी स्वास्थ्य विषय किसी समस्या को लेकर आपके समूह आते हैं, संबंधित विशेषज्ञों को बुलाकर उससे मार्गदर्शन लेते हैं। इसी श्रृंखला के माध्यम से अब तक हमने न केवल अमरावती बल्कि बाहर के लोगों का, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों का मार्गदर्शन हासिल किया। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा हमारा जो उद्देश्य है कि कुछ ऐसे हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो पर्दे के सामने नहीं दिखते हैं, पर्दे के पीछे से काम करते हैं, और पेशेंट मैनेजमेंट, उसकी केयर में उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि हमारे शहर में जितनी नई गतिविधियां होती हैं, जितनी नई मशीन्स आती हैं, जितने नए एक्सपर्ट्स आते हैं और जितनी नई सुविधाएं मिल रही हैं, हमारे शहरवासी उनसे परिचित हो। इसी श्रृंखला के तहत आज हमने जो विषय चुना है वह है एक्सरे यानी रेडियोलॉजी की नवीनतम जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है, MRI। आज उस विषय में आपको जानकारी, कहाँ पर उसके इंडिकेशन है, कहाँ उसके कितने फायदे हैं, किस तरह से ये प्रोसीजर उपयोगी होती है, और इस हेतु हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि जो विशेषज्ञ आज हमारे साथ उपस्थित स्टूडियो में, वे अमरावती शहर के जाने माने रेडियोलॉजिस्ट, परिचित चेहरा डॉक्टर पंकज जी घुंडिया। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर पंकज जी का अल्प परिचय कि इन्होंने अपनी MBBS की पढ़ाई सावंगी मेघे से की, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई, और उसके बाद में काफ़ी लंबा अनुभव इन्होंने मुंबई से हासिल किया है, और पिछले तकरीबन 18 वर्षों से ही अमरावती वासियों की सेवा, अपनी प्राइवेट सेवाएं दे रहे हैं। सर, क्योंकि सुनने में बड़ा शब्द लगता है MRI, और हमारे से बहुत से दर्शक सिर्फ टेस्ट करा के आए तो उनको पता नहीं चलता कि प्रोसीजर क्या होती है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? MRI यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एक बहुत बड़ी मशीन रहती है जिसमें बहुत बड़ा मैग्नेट रहता है, और ये इंस्टॉलेशन को ऑलमोस्ट 6 महीने लग जाते हैं। ये इंस्टॉलेशन ऐसा चलता है कि हम हमारे इसमें ये बोलते हैं जैसे एयरपोर्ट बनता है तो उसके पहले तैयारियां होती है कि इसमें ये मैग्नेट लगेगा, इसमें कितने टन का AC आएगा, और उसमें 3 रूम रहते हैं। एक कंसोल रूम रहता है जिसमें ये इमेजेस दिखती है, एक मैग्नेट रूम रहता है जिसमें मैग्नेट रहता है, और तीसरा एक इक्विपमेंट रूम रहता है। ये इक्विपमेंट रूम में जो UPS और सब चीज़ें मैग्नेट को चलाती है, ये यहाँ पे जब इंस्टॉलेशन होता है तो पूरा मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड तैयार की जाती है और उसके थ्रू वो इमेजेस देते हैं। तो रेडियो वेव्स और मैग्नेटिक फील्ड तैयार करके हड्डी के, ऑर्गन्स के, इसे सब फोटो मिलते हैं। तो जो मैग्नेट रूम रहता है वो बहुत ही स्पेशल रहता है। ये रूम में जब पेशेंट आता है तो इसमें एंट्री करने के लिए पेशेंट को हॉस्पिटल का गाउन दिया जाता है, और वो रूम में कुछ भी अलाउ नहीं रहता है, जैसा मोबाइल नहीं लेके जा सकते हैं, उसके बाद क्रेडिट कार्ड रहा, डेबिट कार्ड रहा, वो इमीडिएट वहाँ पे ख़राब हो जाता है। इवन घड़ी भी रही तो घड़ी बंद हो जाती है, और उसके अलावा कॉइन्स वगैरह रहा तो वो कॉइन डायरेक्ट जाके मैग्नेट को चिपक जाता है। तो इसलिए जब वो रूम में एंट्री होती है, एक मशीन द्वारा वो पेशेंट की पूरी उसमें ये मशीन से देखते हैं कि इसमें कुछ रह तो नहीं गया है, वो पूरी चेक होने के बाद वो मशीन के अंदर लेके जाते हैं, और फिर मशीन में उनको सुला के उनका MRI स्कैन चालू किया जाता है। तो इस तरह से ये MRI स्कैन यानी एक बहुत ही अच्छा मशीन है जिसमें एक बार सिर से लेकर पाँव तक सब बीमारियों का पता चल सकता है। मित्रों, जिस तरह से डॉक्टर पंकज जी हमसे कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यानी एक चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है, और उसके पीछे का जो सिद्धांत है वो इस तरह से है कि ये जब इसकी किरणें
रेडिएशन की जो किरणें होती हैं जब उसके अंदर में रेडियो वेव्स जब पास करते हैं हाँ तो ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यानी इसका ये है कि इसमें एक्सरेज नहीं रहता है, इसमें रेडियो रेडिएशन वेव्स, जीरो। हाँ, इसमें रेडियो वेव्स और मैग्नेटिक फील्ड तैयार की जाती तो है। इसमें हर ऑर्गन की अलग अलग इमेजेस होती है, अलग अलग इमेजेस हर ऑर्गन की। जैसा स्पाइन का रहता है तो स्पाइन का अलग रहेगा, MRCP रहेगा। जैसा एक लीवर का लेना है, पैनक्रियाज का लेना है, पेल्विक स्ट्रक्चर का लेना है, तो सबकी मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग तैयार होकर इमेज देंगी और वो इमेज कंसोल में दिखेगी। और सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि ये विदाउट एक्सरे रेडिएशन, ये एक ऐसी मशीन है जैसे एक्सरे में, CT स्कैन में, इनमें सब में रेडिएशन होता है, लेकिन MRI स्कैन में रेडिएशन बिल्कुल नहीं रहता है, जीरो रेडिएशन। तो एक तो ये बहुत ही हाईली एडवांस मशीन है और जीरो रेडिएशन है इसमें। और जिस तरह से आप बता रहे कि ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है या कॉइन वगैरह, तो चूंकि मेटल के होते हैं, धातु के होते हैं, तो मैग्नेट उनको खींच सकता है, मैग्नेट खींच लेता है, तो इससे उसको बाहर बाहर रख देता है, बाहर रख देते हैं। ये इतने डेंजर रहते हैं कि कभी कभी जैसा पेशेंट, जब ये नई नई मशीन आई थी, तो जब ये फर्स्ट टाइम मशीन आई थी तो ये इतनी पावरफुल मैग्नेट रहता था इसका, आजू बाजू के लिफ्ट रुक गए थे बिल्डिंग के, यानी इतने पावरफुल थे। उसके बाद एक इंसिडेंस ऐसा हुआ था, ये पेशेंट को एक मैग्नेट व्यूअर रहता है, उससे हम चेक करते हैं कि भाई इसमें मैग्नेट कुछ है क्या। क्या हुआ, शुरू शुरू में मशीन लग गई और एक पेशेंट ट्रॉमा से आया, उसके आँख में एक मेटेलिक फॉरेन बॉडी चला गया था, और जब वो मशीन में गया तो वो आँख से ही दो मैग्नेट ने पूरा के पूरा बाहर कर दिया वो, यानी इतने पावरफुल रहते हैं। तो ये जो पुरानी मशीनें थी जब ये, तो इसमें मेटेलिक का कुछ भी नहीं होना, और वो टेक्नीशियन को, डॉक्टर को सब बोलना पड़ता है, आपको अगर कुछ फ्रैक्चर हुआ था, रॉड डाला हुआ है, कोन डाला हुआ है, तो वो सब आपको वहाँ पे डाला हुआ है। पुरानी मशीनों में कर ही नहीं सकते थे, लेकिन आजकल जो नई मशीनें आ गई है उसमें ये रहता है कि रॉड या कुछ स्क्रूज डाले हुए हैं, तो पहले 45 दिन नहीं कर सकते हैं, और 46वें दिन से सब चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि 45 दिन में वो एंडोथेलाइजेशन हो जाता है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं जाता है। फिर भी अगर मरीज के शरीर में ऐसे कोई मेटल है तो उन्होंने बताना चाहिए। जैसे हाँ, अगर मान लीजिए कि क्लिप लगी हो, बराबर क्या बता रहे हैं, आंखों में कुछ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कभी किसका ऑपरेट हुआ है, एन्यूरिज्म में एक एन्यूरिज्मल क्लिप डालते हैं, अगर वो रहा तो वो ब्रेन को डैमेज कर देगा। तो वो रूम में अभी दो ही चीज़ें रह गई है, एक परमानेंट पेसमेकर है, तो MRI नहीं कर सकते हैं, लेकिन आजकल MR कॉम्पेटिबल आने लगे हैं, जैसे रॉड डालना है, स्क्रू डालना है, पेसमेकर डालना है, तो ये MR कॉम्पेटिबल, ये थोड़े कॉस्टली रहते हैं, और ये यानी कभी भी डॉक्टर को बोल के MR कॉम्पेटिबल चीज़ें लगाना चाहिए, क्योंकि सभी बीमारियों का निदान आगे चल के MRI मशीन द्वारा ही होने वाला है। तो इसलिए वो अगर MR कॉम्पेटिबल रहा तो वो फिर वो रूम में जाके उसका परफेक्ट इलाज हो सकता है, अगर MR कॉम्पेटिबल नहीं रहा तो वो अच्छी बीमारी, जो बीमारी है उसमें कैप्चर नहीं हो सकती। इसलिए आजकल ट्रेंड आ गया है कि भाई कुछ भी लगाना है तो MR कॉम्पेटिबल लगाइए, इवन पेसमेकर भी आ गए हैं। तो आजकल सिर्फ एक ही कॉन्ट्रा इंडिकेशन रह गया है, परमानेंट पेसमेकर पुराने वाले। तो अगर जो नए हैं वो MR कॉम्पेटिबल तो वो भी चल सकता है। फिर भी एक पेशेंट को हिदायत होती है कि अगर ऐसी कोई मेटल चीज़ है तो आपने बता देना चाहिए, तो थोड़ा हम लोग केयरफुली कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, जिस तरह से हम लोग बात करें कि काफ़ी अत्याधुनिक है ये, तो बाकी जो हमारी जाँच होती है, टेस्ट होती है, उससे ये किस तरह से ज़्यादा फायदेमंद है? ये बहुत ही फायदेमंद है, इसमें रेडियो वेव और मैग्नेटिक फील्ड द्वारा सभी चीज़ें, जैसे ब्रेन में कोई ट्यूमर है या स्पाइन में, और मस्कुलोस्केलेटल, सॉफ्ट टिश्यू, जॉइंट्स, ये सब चीज़ें अलग अलग दिखा देता है। जैसा आपने बॉडी में चर्बी रहती है, वो चर्बी की लेयर अलग दिखा देता है, मस्कुलर लेयर अलग दिखा देता है, बोन्स अलग दिखा देता है। जब ये नया नया चालू हुआ था तो सिर्फ दो सिक्वेंस आए थे, T1 वेटेड और T2 वेटेड, तो ये दो सिक्वेंस में डायग्नोस करना बहुत मुश्किल हो जाता था। हम जब पढ़ते थे कभी उसमें ब्रेन में हिमोरेज है तो हम देखते थे T1 और T2 में गई हिमोरेज है कि इनफार्क्ट है, तो वही पेशेंट हम CT में लेते थे और कंफर्म करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये इतना एडवांस होता गया कि उसके बाद फ्लेयर वेटेड इमेज आ गया, उसके बाद GRE आ गया, उसके बाद डिफ्यूजन आ गया। तो ये जो वेटेड रहते हैं, जैसे GRE यानी ग्रेडियंट इको रहता है, इसमें ब्रेन में हिमोरेज हुआ तो वो दिख जाता है कि ये हिमोरेज ही है, उसमें वो सिग्नल दे देता है, यानी ब्राइट सिग्नल दे देता है, तो वो इंडिकेट करता है कि ये हिमोरेज है। और हिमोरेज के अलावा ये भी उसमें डिफ्यूजन में जाके पता चलता है ये कि ये कितने घंटे पुराना है,
यानी एक्यूट है, सब एक्यूट है या क्रॉनिक है, यानी कितने उसका देर लगी, देर कितने लगी। पहले हुआ है हाँ वो। हाँ यानी हाइपर एक्यूट चीज़ें भी डिफ्यूजन में, एमआर डिफ्यूजन वेटेड एक दूसरा सीक्वेंस है, वो आने के बाद बहुत से पेशेंट लोगों की जान बचने लगी। वो एमआरआई डिफ्यूजन में ऐसा था कि वो उसमें जो इनफार्क्ट डेवलप होने वाला है वो भी एमआरआई डिफ्यूजन में दिख जाता है कि भाई ये एरिया में ब्लड नहीं जा रहा है और यहाँ इनफार्क्ट 24 घंटे के बाद डेवलप होने वाला है। वही सीटिंग में एमआर एंजियोग्राफी और एमआर वेनोग्राफी भी आ गए। अभी एमआर एंजियोग्राफी, एमआर वेनोग्राफी, जहाँ एंजियोग्राफी वर्ड आ गया तो ऐसा लोगों को लगता है कि उसमें दवाई देना है या कुछ देना है, ये ऑटोमेटिक इमेजेस आती है और कोई दवाई नहीं देना पड़ता। एमआरआई का एक ये भी एडवांटेज है कि इसमें 90% चीज़ें में दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, जैसे सीटी स्कैन में दवाई देना पड़ता है। इवन किडनी में अपने को पहले आईवीपी करके तपास करते थे, उसमें दवाई दे, दवाई के फिर कभी कभी रिएक्शन आ जाते हैं और मॉर्टेलिटीज़ भी होते हैं। तो इसमें क्या है कि कुछ भी नहीं, ये टोटली पेनलेस प्रोसीजर, पेशेंट को सिर्फ मशीन में सोना है और उसकी डायग्नोसिस करने के लिए कौन से सीक्वेंस चलाना है ये डॉक्टर का डिसीजन रहता है। और वो एक ही सिटिंग में आया, T1 T2 वेटेड ले लिया, उसमें पता चला कि भाई यहाँ पे नस ब्लॉक लग रही है तो डिफ्यूजन ले लिया, अगर लग रहा है हीमोरेज है तो ग्रेडियंट इको ले लिया, और उसके बाद लग रहा है कि अभी ये डिफ्यूजन में लग रहा है कि ये आर्टरी ब्लॉक है तो फिर एमआर एंजियोग्राफी कर दिया। तो उसमें एंजियोग्राफी में ये पता चल जाता है कि वो ब्लॉक है, कि वो डिसेक्शन हो गया है या फट गई है या एन्यूरिज्म के थ्रू ब्लीड हो गई है। तो ये मशीन में एक ही साथ सब चीज़ें डायग्नोस होती है। दर्शकों, जिस विषय की डॉक्टर पंकज जी चर्चा कर रहे हैं वो इस तरह से है कि अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को लकवा हुआ है तो इसमें दो चीज़ें जरूरी होती हैं कि लकवा नस ब्लॉक होने से, बंद होने से हुई है, या अंदर फटने कारण से उसमें जो रक्तस्राव हुआ है हिमरेज उस कारण से। और इसमें ये फर्क करना इसलिए महत्वपूर्ण है कि आगे मरीज की जान बचेगी या नहीं बचेगी, दोनों के बीच में भेद करना जरूरी है और इससे इसमें इलाज का फर्क पड़ता है, उपचार में फर्क पड़ता है। सर हमसे कह रहे हैं कि इसमें ये पता लगा सकते हैं कि दोनों हुआ है, यानी वो नस बंद होने से हुआ या रक्तस्राव के कारण से। इसके आगे स्टेप आगे जाके बताएं कि अगर नस बंद हो रही है और आगे होने वाली जो संभावित घटना है उसका भी इससे पता चल सकता है, तो उपयुक्त उपचार से उस मरीज की जान बचाई जा सकती है। सर जैसे बहुत सारी जैसे होते हैं कि ये रेडियोलॉजी की चीज़ें, उसमें दो महत्वपूर्ण होते हैं, एक तो गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट वीमेन, और दूसरा बच्चे। बिल्कुल। तो एमआरआई इन दोनों में कितनी सुरक्षित है? एमआरआई प्रेगनेंसी में एक्सरे कर नहीं सकते, सीटी स्कैन कर नहीं सकते, तो एमआरआई स्कैन ही करना पड़ता है। इवन अभी जो नई मशीनें आ गई है उसमें यहाँ तक के पहुँच गया है, जैसे बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है अंदर, जैसे मेनिंगोसील रहते, माइलोसील रहते, या तो कॉर्पस कैलोजम एब्सेंट रहता, जैसे ब्रेन में कोई पार्ट है, तो ये सब चीज़ें अगर सोनोग्राफी में नहीं दिखती है तो फिर वो एमआरआई में किया जा रहा है। तो प्रेगनेंसी में ये टोटली सुरक्षित है क्योंकि इसमें रेडिएशन बिल्कुल नहीं है। तो ये इसमें एमआर वेनोग्राफी करके भी एक रहता है, कभी कभी प्रेग्नेंट पेशेंट में वेनस ब्लॉक हो जाता है और वो वेनोग्राफी पहले सीटी स्कैन हम कर नहीं सकते थे तो मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आजकल इतने अच्छे से ये डायग्नोस कर लेते हैं कि कोई प्रेगनेंसी की पेशेंट को अंदर ले लो और उसमें जो देखना है सब देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मित्रों, अगर इसका इतिहास हम टटोलें तो जैसे पिछले बार हमने डॉक्टर उमेश देशमुख साहब से चर्चा की थी एक्सरे के इतिहास में, तो ये पाया था कि डॉक्टर रंजन ने सन 1895 में इसकी एक्सीडेंटली खोज की थी और उसके बाद से एक्सरे चलन में आया था। लेकिन जिस टेस्ला साहब की बात चलती है, उन्होंने 1882 में इसकी खोज की थी बराबर। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ये जिसके आधारित है उसकी उन्होंने खोज की, और जिस यूनिट की आप बात करते हैं, टेस्ला वगैरह आप बात कर रहे हैं, तो शायद इन्हीं साहब के नाम पर रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब पहली बार इसकी इमेज ली गई तो वो 1977 में ली गई नॉर्मल व्यक्ति की, और कैंसर की जो इमेज ली गई 1978 में। धीरे धीरे प्रोग्रेस होते, जिस तरह सर ने बताया कि एमआरआई के इतने ज़्यादा उपयोग होते गए, 2000 में ये हुआ कि उसमें पूरा कार्डियक एमआरआई करना शुरू कर दिया, चालू किया। बिल्कुल। और हम इसी वास्ते हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि अमरावती जैसे शहर में आपने इतनी अत्याधुनिक मशीनें लाई हैं, हम निश्चित तौर से आपके आभारी हैं। धन्यवाद। सर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये ब्रेन के लिए बहुत यूज़फुल है,
बहुत ही यूज़फुल है ब्रेन में। जैसे या कोई पेशेंट को हेडेक है, यानी सिर में दर्द रहा, या तो चक्कर आ रहे हैं, या तो उसमें उनको गिडीनेस है, यानी उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, और उसमें एमआरआई ब्रेन कर लेना चाहिए, क्योंकि एमआरआई ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है और नस में ब्लॉक भी हो सकता है, इन्फार्क्शन, यानी कि एक्चुअली क्या है, ब्रेन स्ट्रोक जो रहता है, जैसा हार्ट अटैक बोलते हैं, तो ब्रेन स्ट्रोक जो रहता है उसको ब्रेन अटैक बोलते हैं, और ब्रेन अटैक एक्चुअली हार्ट अटैक से भी बहुत डेंजर है। वो इसलिए डेंजर है, हार्ट अटैक में तो पता चल जाता है कि ये वेसल ब्लॉक है, पेशेंट सेव हो जाता है, लेकिन ब्रेन में जितना जल्दी डायग्नोसिस होगा उतना जल्दी ट्रीटमेंट चालू होगा और उतना जल्दी पेशेंट ठीक होगा। क्योंकि क्या है कि अगर ब्रेन में स्ट्रोक आ गया और उसमें नस चोकअप अपने को हाइपर एक्यूट स्टेज में दिख गई और ट्रीटमेंट चालू हो गई, तो वो चोक खुल जाता है और वो इन्फार्क्ट होने से बच जाता है। एक बार इन्फार्क्ट डेवलप हो गया और आधा ब्रेन पूरा डैमेज हो गया, तो पेशेंट तो पूरा बेड पे आ ही जाता है, लेकिन उसके उसके साथ साथ पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। यानी कहने का मतलब कि उसको फिर लैट्रिन से लेकर तो एक तरह से अपाहिज हो गया, पूरा अपाहिज हो जाता है, तो वो अपाहिज नहीं होना चाहिए। इसलिए ये एमआरआई ऐसी टेक्निक आई है कि इसको 6 घंटे के अंदर डायग्नोसिस करो। और आजकल बड़ी सिटीज़ में तो ये हो गया है कि जैसा स्टेंट वो हार्ट में डालते हैं कोरोनरीज में, वैसा ही अगर 6 घंटे के अंदर आपने एमआरआई स्कैन कर लिया और नॉर्मल है और एंजियोग्राफी में दिख गया कि एक वेसल ब्लॉक है, और अगर 6 घंटे के अंदर उसमें स्टेंट डाल दिया, तो वो इन्फार्क्ट होने से बच जाता है। जैसा हार्ट में इस्केमिया होने से बच जाता है, तो इधर इन्फार्क्ट, तो उसकी लाइफ लंबी हो जाती है और अच्छी भी हो जाती है, बहुत अच्छी लाइफ हो जाती है। मित्रों, एक बहुत ही सार्थक और दिलचस्प चर्चा, रेडियोलॉजी की नवीनतम टेक्निक एमआरआई पर चल रही है। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, शहर के जाने माने रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज जी घुंडियाल, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।